देखिए ये नदी देख सकते हैं भाई। भाई लोग अपन गांव से बाहर निकल लेते हैं, उसके बाद आगे के ब्लॉगिंग करेंगे। आज सुबह के बज रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप मीटर में 6 बज रहे हैं अभी। और क्या बताओ भाई साहब, ठंडी बहुत ज़्यादा है। मैंने जैकेट डाल रखी है फिर भी ठंडी लग रही है। तो चलिए पहले पहले जो मैं आपको हमारे यहाँ की नदी यानी सुबह सुबह गोदावरी माता के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलिए हम जाते हैं अभी नदी की तरफ। चलिए जल्दी से गांव के बाहर एक बार निकल लेते, उसके बाद आगे की व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। भाई साहब इतनी ठंड में वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं भाई। भाई यहाँ पे ये ग्लव्स डाल रखे हैं इसलिए तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही। और भाई साहब हाथ जम जाते भाई अगर बिना ग्लव्स के आ जाता तो भाई। अभी जो हम गांव के बाहर आ चुके हैं पूरी तरह से, तो चलिए अब करते हैं अपनी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट। 1 मिनट में इसे वाइड एंगल कर लेता हूँ पहले। चलिए आगे की ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अपन लोग हैं हाईवे पे, देख सकते हैं नेशनल हाईवे है। अपने बाजू में रहा पेट्रोल पंप का। तो भाई ये जो है अपना फर्स्ट मोटो ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा और मुझे इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये टिप आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ पर बाजू में मैं अपना इंस्टाग्राम पेज दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर देना। वहाँ पे एक मस्त मस्त है रील्स आते हैं, और वहाँ पे जो है यूट्यूब पे ब्लॉग आने से पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके वहाँ पे जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं अभी नदी की तरफ। वहाँ साहब वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, यहाँ तो उसके 20% भी नहीं होगी। वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है भाई। पहले हम भी जाया करते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, इसलिए पता है भाई वहाँ पे ठंड कैसी होती है। आपके यहाँ पे क्या टेम्परेचर है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए जल्दी से अपन जाते हैं नदी की तरफ। थोड़ा सा गाड़ी को भगा देते हैं, रोड एकदम खाली है, बस से भगा देते हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी सारे लोग भाई साहब दोस्तों के साथ वगैरह ब्लॉग। देख सकते हैं अभी हम नदी की तरफ आ चुके हैं, पूरी तरह से नदी की तरफ पहुंच चुके हैं अपन। ये देखिए भाई साहब ठंडी यार, वहां पे तो 20% भी नहीं थी इसकी भाई। देख सकते हैं नदी भाई, इस तरफ मैं लाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए ये नदी देख सकते हैं भाई। सुबह सुबह गोदावरी माता के दर्शन हो गए, तो चलिए अब आगे की जर्नी अपन कंटिन्यू करते। मैं कभी आपको अगले वाले व्लॉग में नांदेड़ का फुल टूर दूंगा, तो आपको वो फुल टूर चाहिए कि नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में फास्ट से बता दीजिए। चलिए अभी जो है अपन जाते हैं अपने दोस्त को लेना है एक ट्यूशन के लिए। ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है भाई, 6:30 बजे ट्यूशन है भाई। जल्दी से जाते हैं अपन दोस्त को पिक करके, फिर उसके बाद अपने आगे ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। थोड़ी सी गाड़ी भगा देते हैं, रोड एकदम क्लियर है पूरा, तो चल सकते हैं अपन लोग अभी। अरे हाथ जम चुके हैं भाई यहाँ पे ठंड में यार। आपके यहाँ पे जो है वेदर कैसा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। और जो है आपको मुझे कोई भी टिप देनी है वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं एक एक का रिप्लाई जो है कर दूंगा। तो जो है अपने पास अभी गाड़ियाँ जो है 4 गाड़ियाँ है भाई अपने पास। पहली तो ये अपनी SB125, अपने घर पे है बुलेट, स्प्लेंडर है अपने पास, डोमिनार भी है, KTM 390 भी है। तो कौन से बाइक पे आप लोग आपको ब्लॉग देखना पसंद आएगा
वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी बाइक पे अपन ब्लॉग शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अभी चलते हैं अपन। ये रोड जो है जाता है भाई सिड़कों की तरह। अगर आप नांदेड़ से होंगे तो आपको पता होगा कि ये रोड जो है सिड़कों की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो है ये वाला पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, अभी अभी 10 दिन पहले खुला है। और यहाँ पे भाई, यहाँ से मेरे दोस्त का घर अभी थोड़ी सी दूरी पर है, तो उसे जल्दी से पिक कर लेते हैं, उसके बाद अपन जो है आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके चलते। और रोड खाली है भाई, पूरा रोड खाली है, देख सकते हैं काफी सारे लोग। मतलब मैंने जब भी, मैंने 100 से ज्यादा लोगों को देख लिया है यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आए। अपनी जिम तो भाई शाम में होती है, अपनी जिम अपन शाम में जाते हैं जिम को, तो अपन तो शाम में करेंगे भाई एक्सरसाइज। मॉर्निंग में भाई अपने में हिम्मत ही नहीं है भाई इतनी ठंड में बाहर निकलने की। आप देख सकते हो पूरा राइडिंग जैकेट वैकेट के पहन के भी मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं भाई ये कैसे निकल के आ रहे भाई घरों से। तो चलिए यहाँ से मेरे दोस्त का घर आ जाएगा, चलिए चलते फटाफट। आगे जो है आराम भाई पीछे छूट गया। बस मोबाइल है बगलास का है कल। हाँ भाई ये बात कर रहा है अपने फ्लैश राइडर की, अपना फ्लैश राइडर आपको पता होगा जो इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब पे भी अभी अभी उसके 2.5 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके Z900 की बात कर रहा है भाई साहब, मुझे पर्सनली उसकी Z900 बहुत पसंद है। उसमें भाई एग्जॉस्ट भाई साहब ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट है उसमें भाई यार, आवाज मतलब। चलिए अपन भी लगा लेते हैं थोड़ा सा दम बाइक में। ए यहाँ पर बाजू में देख सकते हैं भाई ये अपना स्कूल है, अभी लास्ट मंथ है भाई स्कूल में, उसके बाद तो कॉलेज में जाएंगे। अभी तो यहाँ पर से निकल लेते हैं। बस आगे अपना ट्यूशन, अभी जो है अपन ब्लॉगिंग क्विट करेंगे, उसके बाद अभी आपको शाम में एक ब्लॉग बनाऊंगा अपने जिम की तरफ जाते समय। तो चलिए ये ब्लॉग जो है अपन जल्दी से अपलोड कर देंगे, आज शाम से पहले ये ब्लॉग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो में क्या इम्प्रूव होना चाहिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।